दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो लेकर आया हूँ, ये हमारे पास सैमसंग का टैबलेट है। और सैमसंग का जो टैबलेट है, ये एस टू सीरीज का टैबलेट है। इस टैबलेट में प्रॉब्लम है कि इसमें से FRP लॉक लगा है। जैसे मोबाइल फोन में होता ना, ऐसे इसमें भी इसमें FRP लॉक लगा है। और इसको कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ कि टैबलेट के अंदर FRP लॉक को कैसे ब्रेक किया जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, हमने इसको बैक किया और बैक करने के बाद हमने अपने सिस्टम में डोंगल लगाया। डोंगल लगाने के बाद हम लोग सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यस, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 2023 इनेबल ADB मोड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा देंगे ऐसे, सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया। सिस्टम पे कनेक्ट करने के बाद इसमें से हम लोग टाइप करेंगे स्टार है, 0 स्टार है, ये हमारे सेट में हम TP मोड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे एग्जीक्यूट करना है वो इसको रीड करेगा और यहाँ पर एक अलाउ का ऑप्शन भी जनरेट करेगा। ओके, ओके, इसको ले रहा है, टैबलेट को भी रीड कर रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन जनरेट किया और ओके, ये कह रहा है डिवाइस नॉट फाउंड, यहाँ पर डिवाइस ने नहीं फाउंड किया। फिर एक बार दोबारा करेंगे, फर्स्ट टाइम में अलाउ कराया। ओके, ओके, फाउंड फाउंड। जैसे FRP अनलॉक करेगा स्क्रीन चेंज हो जाएगा। देखिए MTP मोड से स्क्रीन चेंज होगा और आपके मोबाइल फोन में FRP लॉक टूट गया। तो आज हमने डोंगल के माध्यम से एक टैबलेट मोबाइल फोन है, इस टैबलेट मोबाइल फोन का हम लोगों ने FRP को ब्रेक किया। देखिए आपके सामने ऑन ऑन स्क्रीन पे ही आपके सामने मैंने खोला हुआ है और मैंने टैबलेट का सैमसंग का कोई भी वीडियो नहीं डाला था अपने चैनल पे। और मेरे पास ऐसा, क्योंकि आए तो बहुत लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो मैं आज वीडियो बना करके दे देता हूँ। ये देखिए, तो टैबलेट मोबाइल फोन के FRP हम लोगों ने इसके माध्यम से ब्रेक कर दिया है और देखिए हमारा टैबलेट पूरा रनिंग होने लगा, पूरा फर्स्ट क्लास चल रहा है। और आपके सामने मैंने दिखाया था कि इसमें से FRP लॉक लगा हुआ था। स्किप स्किप एनीवे फिनिश। ये कैमरा चालू हो गया। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है हमारे टैबलेट है। और सैमसंग के अंदर अमोलेड डिस्प्ले लगी हुई, तो सुपर अमोलेड डिस्प्ले इससे अच्छी बात है क्या? देखो सभी लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग गवाह हैं वीडियो में, ठीक है ना। और जिसका टैबलेट है ये भी हमारे स्टूडेंट है सर, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये लीजिए, चलो कुछ सारे लोग हैं, सब लोग जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं तो पूरा कंप्लीट सीखते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान अगर उनके पास कोई अपना मोबाइल फोन या कोई टैबलेट, कोई लैपटॉप, कोई भी ऐसा आता है तो इंस्टीट्यूट में रिपेयर कराने के लिए आते हैं। हो सकता है जो लोकल के बच्चे होते हैं उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो हमारे पास लेकर के आते हैं, हम लोग उनको रिपेयर करके दे देते हैं, उसका कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लेते। इससे दो फायदा, एक तो हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है और हम इस तरीके से वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को कुछ सिखा भी पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो मैंने आपको दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और अगर इस लेवल की अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करें और जानकारी लें कि कैसे हमको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना है। तो
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।